दिवाली हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन घर और आसपास की जगहों को दीपों से रोशन किया जाता है। दिवाली एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलता है। 5 दिन का यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इन सभी दिन का विशेष महत्व है, साथ ही इससे जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। इस साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन आप जो भी सामान खरीदेंगे उसके 2 गुना वृद्धि होने की संभावना है। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, मकान, वाहन आदि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर माता लक्ष्मी और धन के अधिपति कुबेर जी की पूजा की जाती है, ताकि वर्ष भर धन का संकट न हो, आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। इसका मतलब है कि यह बोला जाता है कि आज के दिन जो भी सामान खरीदेंगे उसकी वृद्धि 13 गुना होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पक्ष त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पे हो रहा है। यह तिथि 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक मान्य है। ऐसे में प्रदोष काल 10 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस वर्ष धनतेरस 10 नवंबर के दिन शुक्रवार को मना रहे हैं। धनतेरस पर गणेश जी, कुबेर जी और लक्ष्मी माँ की पूजा का मुहूर्त शाम 5:47 से प्रारंभ होगा। यह मुहूर्त शाम 7:47 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पूजा के लिए आपको 1:56 का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है, साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा अर्चना होती है। कहा जाता है कि धनतेरस पर माता लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती, साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। धनतेरस वाले दिन सोना, वाहन, बर्तन आदि खरीदने के लिए आपको 18:05 तक का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। धनतेरस के दिन सामान खरीदने का समय दोपहर 12:35 से अगले दिन 11 नवंबर को सुबह 6:40 तक है। पौराणिक मान्यताओं में ये बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उन प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी देवताओं के वेद्य हैं, इसलिए स्वास्थ्य लाभ के लिए भी भगवान धन्वंतरी की पूजा करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के शुभ दिन पर बर्तन खरीदने की मान्यता है, क्योंकि कहा जाता है भगवान धन्वंतरी के जन्म के समय अमृत कलश लिए हुए थे, इसी कारण इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। अब जानते हैं धनतेरस पर क्या करें जिससे हमें हमारी परेशानियों से छुटकारा मिले। पहला है पशुओं की पूजा। हिंदू धर्म में पशुओं की पूजा करना शुभ माना गया है। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती है। दूसरा है दान करना। दान करना पुण्य कर्म है, माना जाता है दान करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि आप सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। हालांकि आपको सफेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना चाहिए। तीसरा है उधार न देना। आज के दिन उधार देना नहीं चाहिए। कई दुकानदार आज के दिन उधारी में काम नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आज भी उधार दिया तो पूरे साल पैसे की किल्लत रहेगी। व्यवसाय में कई कार्यालयों में लेखा विभाग को जानकारी दे दी जाती है कि धनतेरस पर किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है। उसी प्रकार घर में भी आज के खर्चे में थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। आपको हमारा धनतेरस पर विशेष कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, जिससे दिवाली कार्यक्रम के अन्य वीडियोज की जानकारी भी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।